अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम, जैसे आपको पता ही है, और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। मेरे साथ आज जो गेस्ट मौजूद है उनको इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मोहसिन अब्बास हैदर। ये तालियां तो बजा। कैसे हैं जी? जी ठीक है ठीक है। कैसे तो नहीं, मैं टेबल भी बजा सकता हूँ। कैसे अपराध भी बजाते होंगे मुझे लगता है। नहीं 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 नहीं, नहीं वो बाकी नहीं मुझे आती हैं चीज़ें है। वो नहीं, वो क्या होता है उसको कहते हैं तबला, तबला। हाँ। वो तो आपको पता ही होगा ना। मुझे क्यों नहीं पता। हाँ हाँ बहुत बजाया मैंने। अब इतने बड़े वो है सिंगर खानदानी। हाँ यस यस यस, अच्छा लफ्ज है सिंगर। हाँ हाँ अच्छा लफ्ज है। वैसे ना बड़े मैंने महफूज लफ्ज है। मैंने ये एक चीज़ नोट की है, आपकी ना घड़ियाँ आपके पास काफ़ी ना मैचिंग है। सफ़ेद कपड़े पहने तो सफ़ेद घड़ी आ जाती है, ब्लू कपड़े पहने ब्लू घड़ी आ जाती है, पिंक कपड़े पहने पिंक आ जाती है, तो आज रेड है। तो इतनी घड़ियाँ कहाँ से मिली आपको? एक घड़ी एक है, रंग करता हूँ उस पर मैं, रंग बहुत सारे। अच्छा अच्छा, ये उधर से लिया आपने? उधर से ओए ओए ओ अनारकली से लिया ना? अनारकली नहीं जाता मैं यार। 100 रुपीस की मिलती हैं ये, वही है ना 100 रुपए वाली? नहीं नहीं वो नहीं है। अच्छा 150 की मिल रही है आपको? महंगी मिली है, इसे कम की मिल जाती है। अच्छा ये कपड़े आपके बड़े अच्छे होते हैं, ये कहाँ से? ये भी वही ले चले मुझे। नहीं नहीं आप आप रेलवे स्टेशन के सामने ले चले मुझे। नहीं नहीं आप तो माशाल्लाह अमीर हैं, तो अच्छी जगह अफोर्ड कर सकते हैं। हम जैसे जाते हैं उधर। नहीं नहीं यार, वहाँ से अच्छी चीज़ मिल जाए वहाँ से उठा लो, इसमें क्या चीज़ अच्छी होनी चाहिए, आँख होनी चाहिए देखने वाली। नहीं नहीं वो आँख वो वाली नहीं है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, मैं ना सवाल आपसे, कौन सा ऐसा ऑफिशियल इंटरव्यू शुरू करने लगे ना। हाँ मुझे बताएं कौन से ऐसे सवाल है जो मैं आपसे ना करूँ, कोई है सवाल आप बता दें मुझे ताकि मैं वही सवाल करूँ आपसे। नहीं नहीं आप कोई भी सवाल कर सकते हैं मुझे, मुझे कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं। हाँ। सब कुछ आपसे पूछ लूँ आज। हाँ हाँ आज पूछ लें, आज ऐसा इंटरव्यू करेंगे सनसनीखेज। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे बताएं क्या कहते हैं, आजकल पाकिस्तानी फिल्में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, आप आखिरी दफ़ा नहाए कब थे? जब नामालूम अफराद 2 आई थी। अच्छा उसके बाद मैंने वो बीच सॉन्ग देखा था ना उसमें, बस वो बीच में ही नहाया हूँ जो नहाया हूँ। अच्छा अच्छा, वो तो फिर खुद ही। हाँ हाँ वो, हाँ हाँ उसके वो, बाद वो मजबूरी थी वहाँ पे, इसलिए अभी भी मैल जमी हुई है थोड़ी। कहाँ कहाँ है देख बता। हैं वो थोड़ा सा लग रहा है हर जगह। वैसे आप मुंह के ऊपर कुछ लगा हुआ है क्या? नाक? नहीं नहीं नहीं, ये बाल लगे हुए इतने ज्यादा, ये इधर भी। इसको शेव कहते हैं। अच्छा आपकी अच्छी बल्ली पिछले दिनों मूछे थी, वो कहाँ चले गई? उतार दें बस, वो गाने के लिए रखी थी ना, रू गाना जो आया था ना उसके लिए बनाई थी बस। अच्छा 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 अच्छा, नहीं मुझे लगा था आपकी मूछें हैं तो मैंने आपको, आपने का बचपन से मूछें हैं मेरी। ये आपने ना मूछें बिल्कुल उसी तरह की रखी हैं जिस तरह बिल्ली की या चूहे की मूछें होती हैं मुस्तकिल। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं वैसी थोड़ी होती है इंसान की, वैसी नहीं। आपकी नहीं आती? नहीं नहीं आती मेरी। अरे हाँ मैं बड़ी कोशिश करता हूँ जोर लगा के, वो नहीं आती। अच्छा अच्छा मुझे बताए, कुछ लोग कहते हैं ये जो रैप सिंगर होते हैं वो ये रैप असल में गाना नहीं होता, ये एमी इसको इनको सिंगर क्यों कहते हैं लोग? तो आपको भी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये रैप क्यों करते हैं आप? नहीं रैप एक फॉर्म है, म्यूजिक की एक फॉर्म है हिप हॉप, तो गाना तो ना हो इसमें, तो सिर्फ बोलना होता है। नहीं गाना ही हुआ यार, आप बीट के साथ खेलते हैं, रिदम के साथ खेलते हैं, एक संजीदा फॉर्म है हिप हॉप। इंटरनेशनली बहुत रिनोन्ड आर्टिस्ट हैं हिप हॉप के। अच्छा ठीक है ठीक है, तो आप रैप भी गाते हैं, दूसरे भी कभी कभार गा लेते हैं और हर तरह के? नहीं मैं रैप कभी कभार गाता हूँ, दूसरे मैं असल में गाता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो ये असल में ये कैसे आपको ये शौक हुआ? अच्छा ये इतने बेजार क्यों है आप यार, ये क्या बात हुई? इतनी लंबी स्टोरी वो आप है ना, मैं शुरू हो जाऊंगा सुना देंगे। नहीं नहीं छोड़ दे, मैं बोर हो जाऊंगा। अरे जान तो सही बात है। नहीं नहीं जाने दे, छोड़ दे अगले पे आते हैं। डीजे भी हैं आप? ठीक है, पिछले दिनों ना डीजे बट मेरे शो में आया था, ठीक है, मैंने उनके सामने आपका नाम लिया तो वो कहते हैं मोहसिन अब्बास हैदर असली डीजे नहीं है, सिर्फ डीजे भट्ट ही असली डीजे है, तो ये क्यों उन्होंने ऐसा कहा? मैं नहीं जानता वो कौन है, आई एम सो सॉरी। डीजे भट्ट का नहीं आपको पता? डीजे भट्ट वो जिसके स्पीकरों का मसला हुआ था। जी जी हाँ वो कहते हैं वो असली डीजे है, मोहसिन अब्बास असली डीजे नहीं है। अच्छा चलो यार उनको लेने दें यार, उनको ये लेने दें टाइटल डीजे का। अच्छा ठीक है, आपने अपना टाइटल डीजे का निकाल दिया।
नहीं मुझे तो जिस मेरा नाम मोहसिन अब्बास हैदर है, मेरे किरदार हैं ये सारे, मैं कुछ भी कर लूंगा। वो बेचारा शायद यही कर रहा है तो उसको ये दे टाइटल। अच्छा आपको लोग कहते थे ना डीजे 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 डीजे, इतनी नफरत से नहीं कहते थे कासिम जिस तरह आप कह रहे हैं, डीजे डीजे ऐसे नहीं कहते थे। अच्छा नहीं वो प्यार से कहते थे यार, मेरा मुंह ऐसा है ना वो ऐसे बन जाता है। अच्छा अच्छा मुझे बताएं आपने अपनी लाइफ में काफी ड्रामे किए हैं, तो आपका आपके ख्याल आपका बेस्ट कौन सा ड्रामा था? वो अभी रिलीज नहीं हुआ। नहीं हुआ रिलीज। अच्छा अभी होना है। अच्छा यानी वो इससे भी बड़ा ड्रामा होगा जितने आपने किए हैं। ठीक है भी आगे। आपको तो ड्रामों पे मेरे ख्याल में अवार्ड्स की नॉमिनेट हुए या आपको मिला था अवार्ड? अवार्ड भी मिला था मुझे। मिला था फिल्म पे, एक्टिंग मिला था। पे, हाँ, एक्टिंग पे, पे, एक्टिंग पे, एक्टिंग पे। तो किसे पैसे दिए थे आपने, क्या कैसे मिल गया? इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं अवार्ड ही खरीद लूं। अच्छा फिर कैसे आपने को सिफारिश लगाई या फिर मिनते की क्या किया? कुछ तो किया होगा, ऐसे नहीं मिल सकता अवार्ड। टैलेंट आजकल नहीं हो, आजकल बहुत टैलेंट है तेरे भाई में। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं है, क्या नहीं है, टैलेंट नहीं है, ये मानना नहीं है तुमने। एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा ये एक बात बताए, मैंने सुना है कि फेशियल कराने से ना मुंह की ना वो लाना थोड़ी कम हो जाती है, बात ठीक है? मेरी तो नहीं हुई यार। ये कहना था ना, ये कहना था ना, मुझे पता है। आप ही नहीं, मैं आ रहा वैसे मैं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं। लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं कि ना फेशियल कराने जितनी मर्जी फेशियल करा लो, लाना जो मुंह पे पड़ी होती है ना वो नहीं खत्म होनी जाती ना। हाँ तो ये क्यों, आपने ट्राई नहीं किया कभी? नहीं बड़ी महंगी होती है, खर्चा होता है। नहीं नहीं फेशियल कराना, मैंने कहा जब फेशियल सही नहीं जाती तो फिर फायदा फायदा क्या? हाँ फिर फायदा क्या, फिर जो है वो लेके फिर ऐसे ही फखर से। हाँ है ना, क्या चीज लानत, मुंह नहीं लानत। अबे रिलीज हुआ था। अच्छा एक ही बात है ना। नहीं, एक ही बात कैसे, चोरी थोड़ी किया था मैंने। नहीं नहीं गाना लीक होने या फिर रिलीज होना एक ही बात नहीं है। नहीं गाना रिलीज किया था मैंने। अच्छा ठीक है, गाना आपने रिलीज किया, बबांगे दोहल रिलीज किया। अच्छा, उसका गाने का नाम था रू। ठीक है, गाना बहुत अच्छा था। ठीक है, वीडियो में मुझे थोड़ा सा मसला था क्योंकि मैं ना एक्सपेक्ट कर रहा था कि किसी कोई ना लड़की होगी, मगर उसके अंदर एक लड़के को आपने लिया था अपने साथ, तो ये क्यों आपने ऐसा, क्या आपने शौक चेंज कर लिए फिर क्यों आपने लिया एक मतलब? नहीं मुझे भी सोचना पड़ेगा वैसे, इससे पिछला जो गाना था उसमें भी अवार्ड मिला था मुझे बिना पैसों के, ना जा पे बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर का, लेकिन उसके अंदर भी बंदी नहीं थी। उसमें भी नोंदी नहीं थी, उसमें भी सोहेल हैदर था मेरे साथ यार। अच्छा अच्छा, यानी हर दफा कोई ना कोई बंदा होता है, तो ये क्या वजह है, ये क्या है, ये सोचना पड़ेगा दोस्त, है ना? ये तुमने सही तरफ ध्यान डलवा दिया मेरा। हाँ 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 हाँ, I need to think। लोग भी ये सोचते होंगे है ना कि कोई मसला है इसके साथ। उनका नाम खोसा खुशू ऐसे कोई बंदे हैं भाई, फराज खोसा नाम है उनका। फराज बहुत सेंसिटिव है अपने नाम के बारे में, खोसा। हाँ फराज खोसा, ठीक है ठीक है। उन्होंने खुद कहा था मैं भी आना चाहता हूँ या आपने उन्हें एज अ हीरो लिया था उसमें? नहीं वो जब आप फीचर करते हैं तो फिर दो आर्टिस्ट दो जो होते हैं वो साथ होते हैं उस वीडियो। नहीं उन्होंने तो नहीं गाया, एज म्यूजिक डायरेक्टर वो भी गाना गाते हैं, उन्होंने तो नहीं गाया था गाना। हाँ वो म्यूजिक डायरेक्टर थे इसके। तो हर म्यूजिक डायरेक्टर हर वीडियो में होता है? नहीं उनका ये पैटर्न है कि वो जितने भी आर्टिस्ट को फीचर करते हैं, हुमैरा चन्ना साहिबा, अमानत अली साहब, ये क्या? नहीं नहीं वो पैसे लगाते हैं तो वो कहते होंगे कि मैं भी आऊंगा। नहीं उन्होंने ऐसे गाने के पैसे लिए थे या दिए थे? छोड़ दें ये बात, ये बात नहीं करते ऐसी। अच्छा ये ऐसे नहीं करते, ये कोई सीक्रेट बात है, मुझे शक हो रहा है। क्या ये कोई लेन देन का मसला है? ऐसा कुछ है। हाँ हाँ, अच्छा ऐसे ना कि उसकी ना प्रमोशन आपने बड़ी ज़बरदस्त की है, उसके अंदर मैंने नोट किया था कि सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़बरदस्त उन आपको सपोर्ट किया, जैसा हुमायूं सईद जिनकी वाइफ उन्हें छोड़ के चली गई थी ड्रामे में। हाँ हाँ, और वो उसके अंदर वो भी थे अदनान सिद्दीकी जिनके पास उनकी वाइफ गई थी, उन उन्होंने आपको ये ड्रामा है, ये ड्रामे की स्टोरी है, उनकी रियल लाइफ में ही इज हैप्पीली मैरिड। मेरे पास तुम हो कि ना आप मेरे पास तुम देखते हैं? नहीं मैं देख नहीं सका, फॉलो नहीं कर सका ड्रामा, लेकिन जितने भी क्लिप्स आए इंटरनेट पे वो मैंने देखे। अच्छा तो ये इतने लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, तो ये कैसे कर लिया उन्होंने?
बस यार मोहब्बत है उनकी, उन लोगों ने सपोर्ट कर दिया मुझे। मुझे तो नहीं करते तो आपको नहीं करते ना, आप पे प्यार आता नहीं है ना उनको ना। अच्छा फराज खोसा साहब का मैंने ना इंटरव्यू सुना था, वो कहते हैं कि उनके कहने पर इन्होंने दिए हैं कमेंट्स, ये बात ठीक है? किनके कहने पे? फराज खोसा साहब के। ये इंटरव्यू कहाँ है? मुझे मैंने नहीं देखा। नहीं नहीं वो ना मैंने नहीं देखा। नहीं, नहीं, देखा मैंने भी नहीं है। वो ना जिस तरह वो ना क्लिप में काफी लोगों ने फराज खोसा का ना जबरदस्ती नाम लिया हो, या तो आपने कहा है यार प्लीज उनका नाम ले दो, या फिर उन्होंने फराज खोसा का जबरदस्ती। दो लोगों की कोलैबोरेशन थी ना, तो जिन लोगों को भी कहा गया उन लोगों ने उन दोनों लोगों का नाम लिया उसमें। ठीक है ठीक है, मगर कुछ लोगों ने सिर्फ आपका नाम लिया, फराज खोसा का नाम लेना भूल गए थे वो लोग। कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ अच्छा अच्छा, क्यों कोई कंट्रोवर्सी चाह रहे हैं? नहीं नहीं वो ना आप चाहते हैं आगे कोई कोलैबोरेशन ना करें हम? नहीं नहीं करें करें करें, मगर वो थोड़ा ना ये क्या कर रहे हैं बार बार आप, लेन देन का पता चल जाए ना कि क्या हिसाब किताब है, क्या कि उन्होंने पैसे लिए हैं या दिए हैं, अभी तक मुझे पता नहीं लग रहा। देखें जब दो लोग कोलैबोरेट करते हैं ना तो उसमें परसेंटेज का हिसाब होता है। अच्छा परसेंटेज आपकी कितनी उनकी कितनी? क्योंकि मैं भी एक उनके साथ करना चाह रहा हूँ ना, मैं भी गाना गाना। क्या करना चाह रहे हैं उनके साथ? गाना गाना चाह रहे हैं। गाना ऑडिशन देंगे मुझे आप? नहीं नहीं आपके साथ नहीं, आपका कोई लिंक नहीं होगा, फराज खोसा के साथ। नहीं आप मुझे चले गाना सुनाए ना, ताकि मैं उनको जाके बताऊं कि मैं फिर आपकी सिफारिश करूंगा। गाना सुनाए आज मुझे, मैं बजे तो आपने कभी गाना नहीं सुनाया इस शो पे ना, आज गाना सुनाए मुझे आप। नहीं 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 मैं मुझे नहीं 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 मुझे गाना सुनाए प्लीज। मुझे मैं फराज भाई को लेता हूं फोन पे, उनको सुनाते हैं। गाने आते हैं ना? नहीं नहीं वो बाद में करेंगे, ऑडिशन देना बाद में बात करेंगे। नहीं वो जिस तरह के गाने मुझे आते हैं ना आपको नहीं आते, समझ नहीं आएंगे। गंदे गाने? नहीं 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 वो ना इंग्लिश में होते हैं। हाँ फिर रहने दे, हाँ। फिर रहने दे, फिर मुश्किल है। अच्छा एक चीज मुझे बताएं, अच्छा कुछ ऐसा कोई भी सेलिब्रिटी था जिसको आपने कहा वीडियो भेजने को, उसने ना भेजी हो? कोई तो होगा ना, कोई तो ऐसा होगा, ये तो भूल गया होगा, या उसने कहा होगा ठीक है मैं भेज दूंगा, मगर उसने ना भेजी हो, या उसने साफ साफ कह दिया होगा नो वे मैं नहीं भेजूंगा? ऐसा किसी ने नहीं कहा, भेज दी यार सबने भेज दी इत्तेफाक से। किस हाँ। किसने भेजा प्लीज नाम तो बताएं, किस किसने भेजे? हाँ बहुत तवील लिस्ट है ना, बताएं मुझे पता चले ना आपको किन किन के नाम याद है। हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा, फाखिर, नौशीन शाह, निमरा खान, अदान शाह टीपू, और ऐसे जबानी नाम नहीं याद रहे, इतने याद थे अभी जबानी, इतने याद। इससे ज़्यादा तो मुझे याद है इफ्तिखार ठाकुर ने भी भेजा था, कैसर पिया ने भी हाँ बिल्कुल भेजा था, स्टेज वाले थे उन्होंने भेजा था, फिर इंडिया से भी आए थे। हाँ इंडिया से भी ऐसे आए थे, तो उन्होंने वीजा लगवा के भेजा था ये वैसे? नहीं वो करतारपुर के रास्ते से आए थे ना, उधर से वीजा नहीं चला। फिर ठीक है, फिर ठीक है, क्योंकि अच्छा जाओ क्योंकि वहाँ से आना था तो फिर मसला होता ना, है ना। हाँ 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 ठीक है, सॉरी यार नाम नहीं याद रहे मुझे, सॉरी। अच्छा वो आप एडिट लिस्ट बहुत तवील थी, एडिट खुद करके लगाते, क्योंकि हर वीडियो के साथ ना आपकी एक पिक्चर है, आपके ना ऐसे मुंह वाली एक पिक्चर भी थी सर। कैसे मुंह वाली? ऐसे मुंह वाली, तो वो क्यों लगाई थी आपने हर एक के साथ? वो फराज खोसा साहब ने किए थे एडिट। हुमायूं सईद के साथ भी अपनी तस्वीर लगा थी, इफ्तिखार ठाकुर के साथ भी अपनी तस्वीर लगा दी, हर एक के साथ अपनी तस्वीर लगा दी। क्या इमेज क्या बनाना चाह रहे हैं मेरा? पहले आपने कहा कि आप लड़कों के साथ फीचर करते हैं गानों में, फिर मैंने हुमायूं सईद के साथ भी तस्वीर लगा दी। सबके साथ तस्वीर लगा रहा, अच्छा ये फराज खोसा साहब का आइडिया, बड़े बड़े स्टार्स के साथ। हाँ फराज भाई को लगा कि ऐसे मैं मशहूर हो जाऊंगा थोड़ा, अच्छा बड़े बड़े स्टार के साथ मेरी तस्वीरें आएंगी तो मैं मशहूर हो जाऊंगा। ओके आपका पास हुमायूं सईद का नंबर है? हाँ देंगे। नहीं मैंने उनसे पूछना है कि वो ना अमीर जो हो गए हैं, ठीक है बहुत अमीर नहीं हो गए वो यार, वैसे अमीर बहुत बहुत अमीर हो गए वो, मलिक रियाज टाइप का सीन हो गया उनका, है ना? एग्जैक्टली वो आज मैं कोई मीम भी पढ़ रहा था कि जिस तबातुर से वो अमीर हो रहे हैं वो पाकिस्तान के कर्जे उतार देंगे अगली किस्त। उनसे मैंने यही पूछना है कि जिसकी भी अगर मेरी वाइफ भी मुझे छोड़ दे तो मैं भी अमीर हो सकता हूँ, ट्राई कर ले। मैंने उससे पूछना है ना, वही तो मैंने पूछना, मैंने ऐसी नहीं ट्राई कर लेना। हाँ ठीक पूछ के ट्राई कर, नहीं लेंगे वैसे छोड़ के जाए तो नहीं हो सकते, जिस तरीके से वहां ड्रामे में छोड़ के फिर अमीर हो गया, जिसके लिए छोड़ के जाए वो भी अदनान
सिद्दीकी होना चाहिए, लेवल का होना चाहिए। फिर होगा फायदा, फिर हाँ फिर बैलेंस। हाँ फिर बंदे के अंदर वो किस्मत बंदे की जाग जाती है। जिस तरह कहते हैं ना किसी बंदे के घर आने से किस्मत आती है, ठीक है, हो सकता है किसी के जाने से भी हाँ जो रुकी हो वो किस्मत आती हो। यस यस ये मेरा भाई, ये मेरा भाई। आई थिंक खलीलुर रहमान कमर भी ठीक कहते हैं। खलीलुर रहमान कमर सब ठीक कहते हैं क्योंकि ये खलीलुर रहमान कमर ने लिखी है ना, यानी उनकी सोच यही है कि यार किस्मत जाने से भी आती है, हमेशा आने से नहीं आती। हाँ चलें ये भी ना ये करके चेक पूछ के अच्छा मुझे बताएं कहते हैं दुश्मन वगैरह भी आपके कुछ ऐसे होंगे जो कि आपकी वीडियो से जेलस हो गए होंगे कि आपकी क्यों आ गई वीडियो, तो कोई ऐसा था बंदा जिसने वीडियो शेयर नहीं की तो आपको पता लग गया कि ये मेरा दुश्मन है? कोई आपकी वीडियो शेयर, कोई किसी ने अगर गाना आपका शेयर नहीं किया ना, हाँ। इसका मतलब है वो आपसे जेलस है और आपका दुश्मन है, तो आपको पता चल गया ना? आपने किया था ना शेयर? मैंने शेयर किया था। आपने मेरा उसमें है ना ऐड भी किया था स्टोरी में, मैंने उस पे हार्ट भी भेजा, हार्ट भी भेजा था। हम एक दूसरे को हार्ट भेजते हैं भाई फेसबुक पे। इस शो के बाद मुझे ऑफिशियली मिल जाएगा लेबल वो वाला जो आप चाह रहे हैं ना। पहले मुझे पता नहीं था मगर अब मुझे पता चल गया, अब नहीं मैं भेजूंगा। मुझे पता, आपको पता लग गया कि नहीं आपका दुश्मन कौन है? हाँ काफी हद तक चल गया। कोई नाम बताएं प्लीज। इतनी शरीद कंट्रोवर्सी नहीं देके जाऊंगा यहाँ पे मैं। नहीं नहीं प्लीज नहीं नहीं नहीं, वायरल हो जाएगी चीज प्लीज। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं वायरल हो जाए, कुछ नहीं हो सकता है, इसी बहाने वायरल हो जाए, मैं ही मशहूर हो जाऊं प्लीज। कोई एक नाम बता दें यार। अच्छा मोस्टली जिन लोगों ने मैसेजेस भेजे थे उन सब लोगों का ही फीडबैक आया था, तो इसका मतलब है कि दोस्तों की लिस्ट तो क्लियर है। अच्छा तो अब जो जो, जो जिन जो जो जिनके मैसेज नहीं आए ना वो खुद समझ जाए वो सारे दुश्मनों की लिस्ट में। ठीक है ठीक है, ये जिन्होंने आपको ये आसान तरीका था ना? नहीं, हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा है। अब वो मेरी प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं कि किस किस से मैसेज आए थे। चलो मैं भी चेक करता हूँ, मैं भी लिस्ट बना दीजिएगा आप। लिस्ट बना कर नीचे इधर ही चला दूंगा सारी। ठीक है, ये आपके दुश्मन है। अच्छा मैंने सुना है पिछले दिनों आपको ऑनलाइन ही कोई अवार्ड मिला था किसी ऑनलाइन वेबसाइट से और आपने ऑनलाइन ही शो किया था, तो ये किसी ऑनलाइन गाने पे मिला था आपको ये अवार्ड? नहीं नहीं गिनी गैलेक्सी लॉलीवुड एक ऑनलाइन साइट है ना, ऑनलाइन साइट, तो उन्होंने ऑनलाइन ही आपको ऑनलाइन दिया? हाँ ऑनलाइन वोटिंग हुई थी। नहीं नहीं अवार्ड हार्ड फॉर्म में मेरे पास है। वोटिंग भी ऑनलाइन हुई थी और ऑनलाइन गाने पे मिला था एक ऑनलाइन गाना नहीं था वो एक साइट से मिला था। वो गाना था लॉल वो उसके लिए लॉर्ड वेडिंग फिल्म के लिए था। हाँ उसमें हमने गाना लिखा था जो था गुड लक के नाम से, उस पर अवार्ड मिला था बेस्ट लिरिसिस्ट का मुझे। नहीं कोई अवार्ड सेरेमनी तो हुई नहीं, तो आपने उन्होंने आपको पार्सल किया था? नहीं नहीं मुझे मेरे वो जो गाने की लॉन्च थी उस पे आके दिया था मोमिन अली मुंशी। अच्छा अच्छा यानी वो बाकायदा सेरेमनी थी वो ईमेल जो अटैचमेंट होती है उसमें भेजा था? नहीं। अच्छा अरे जब मेरा गाना लॉन्च हुआ लाहौर में इवेंट हुआ, खर्चा बचाया कि आपका इवेंट और आपके इवेंट पे आपको ये अवार्ड मिला। ये तो बिल्कुल वही हिसाब हुआ जैसा हम टीवी वाले अपने ही ड्रामों के लिए अपने ही अवार्ड ऐसे नहीं कहते दे देते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल सही हिसाब वही है जो आप कह रहे हैं वो सही है, मैं नहीं कह रहा। नहीं ये वही हुआ है ना, आपके ही गाने के लॉन्च पे आपको ही आके उन्होंने अवार्ड दे दिया हाँ। वो कह रहे थे हम आपको पार्सल कर देते हैं, मैंने कहा मैं यहीं पे हूँ लाहौर में तो आप वहीं पर आ जाएं वहाँ पे दे दें। हाँ, तो क्योंकि कभी कभार होता है पार्सल ना मिसप्लेस हो जाता है, वही ना मैं कहूँ टीसीएस वाली ना ले लें एग्जैक्टली एग्जैक्टली उसके ऊपर मेरी शेल्फ खाली रह जाए। हाँ वैसे अभी भी खाली थी तो एक अवार्ड आ गया ना। हाँ आ गया ना एक और आ गया, एक और आ गया, एक नहीं आ गया एक और आ गया। पहले कौन सा अवार्ड था? इस साल में मुझे दो अवार्ड्स मिले। अच्छा दो बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला लक्स स्टाइल अवार्ड्स में मुझे। अच्छा अच्छा ओके हाँ वो याद आ गया मुझे वो। क्यों क्यों इतनी हकारत क्यों है मुझे लेके? भूल गया था। अच्छा नहीं, वो यकीन नहीं होता ना पता नहीं क्यों। अच्छा मुझे होता है पिछले दिनों मुझसे बुरे बुरे सिंगर्स हैं, सिर्फ मेरे पे यकीन नहीं होता आपको कि मैं सिंगर हूँ। नहीं 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 आप पे भी यकीन नहीं होता ना।
बाकियों पे भी नहीं होता, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, अब ठीक है, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। हाँ, मेरे साथ और भी हैं। अच्छा मुझे बता, पिछले दिनों दो गाने सुपर हिट हुए, आपको इन दोनों में से कौन सा गाना पसंद है, एक चूज करना है, अब्रार का चमकीले या फिर बिलाल सईद का बारी? बारी की हुक लाइन अच्छी है। हुक लाइन, हुक लाइन आप उसको कह रहे हैं, मोमना मुस्तहसन को? हुक लाइन गाने की होती है। गाने की गाना खराब करे, सुना के दिखाए जरा, मुझे बड़ा पसंद है गाना। मुझे बड़े पसंद है, आपको पता नहीं, सुनाए जरा फिलहाल का रिलीज गाना। यार मैं एक्चुअली मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसे बहाने नहीं करता, आपको पता है मेरा कल मैच खेला है हमने, तो बहुत चीखे हैं वहाँ पे, मैं बड़ा शदीद। चल चले, मैं अगर आपका गाना गया था गुनाना है तो फिर आप वो भी ना गा पाता मैं आज, तो गुनगुना लेते हैं, मगर मैं नहीं कह रहा ना। चले कोई ऐसे मसले। अच्छा यानी इसका मतलब आपको अब्रार का गाना नहीं पसंद? वैसे अब्रार ने भी आपको विश भेजी थी वीडियो, मैंने भी अब्रार भाई के गाने पर विश भेजी थी। उन्होंने नहीं लगाई? उन्होंने लगाई है, मुझे टैग भी किया था उन्होंने। अच्छा वो मेरे आपके आपके फ्रेंड लिस्ट में है नहीं अब्रार? मैंने उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, उन्होंने कंफर्म नहीं किया अभी तक। हाँ तो वो मेरे पास है ना, तो उन्होंने मुझे टैग किया था ना पिछले दिनों, मिले थे मुझे। ठीक है, वो ऐसे शो कर रहे थे, वो मुझे पहचानते ही नहीं है। ओए होए। हाँ अरे अरे अरे, मैंने उनसे पूछा आपने कभी शो देखा मेरा, कहते नहीं। मुझे इतनी बिस्ती फील हुई। उनके दोस्त साथ आए हुए थे, उनके बड़े अच्छे यार, उन्होंने देखा होगा आपको, कहते मैंने आपके सारे प्रोग्राम देखे अभी वाले भी, कहते मैं कल रात को पूरी रात बैठ कर मैंने 6 एपिसोड देखे। मैंने कहा मैंने खुद नहीं अपनी 6 एपिसोड इतने तो शोज नहीं किए अभी तक आपने? नहीं नहीं, ये नहीं, मैंने इतने किए हुए हैं आपके साथ ही, मैंने 3 किए हुए हैं, तो पता नहीं। तो 3 मेरे साथ हो गए, 6 देखे हैं, 3 किसी और के साथ किए होंगे। हम कहां थे कि आपको अब्रार का गाना नहीं पसंद है? नहीं, मुझे अच्छा लगा उनका गाना, लेकिन इस गाने की हुक लाइन ज्यादा अच्छी है। हुक नहीं पसंद है, उसके अंदर वो थी ना मैं विषयात हुक थी, एक तरफ मैं विषयात हुक नहीं थी उसमें, और एक तरफ मोमना मुस्तहसन हुक थी। नहीं नहीं, गाने की पंच लाइन की बात कर रहा हूं मैं। विश नहीं आपको पसंद, चले कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा वैसे मुझे होता है पेट्रोल का खर्चा किए बगैर मोटरसाइकिल कैसे चलाई जा सकती है? ऐसे साथ भाग के ऐसे मुंह से। चले आपको इक्वली इंटेलिजेंट है हम दोनों वैसे। यस 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 यस। वाह के? हाँ हाँ, अच्छा उस पर आते हैं, आप क्रिकेट भी खेलते हैं ठीक है, पहले आप इतना नहीं शायद खेलते थे, अब आप यानी इतने वेले हैं कि आप क्रिकेट आपने शुरू कर दी है, क्या वजह है? हाँ हाँ, एक्चुअली ऐसा ही हुआ है जो आप कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ है। दानियाल अरशद ने मुझे अप्रोच किया कि हम शोबिज 11 बना रहे हैं, क्योंकि कराची की टीम बहुत स्ट्रांग है और कराची वाले प्रोफेशनली खेलते हैं, ऑलमोस्ट हर वीक खेलते हैं वो लोग मैचेस, तो लाहौर की ऐसी कोई ऑफिशियल टीम थी नहीं शोबिज 11 की। तो शोबिज 11 में आपका क्या काम था? मैं भी शोबिज से हूँ ना। अच्छा ठीक है, मैं भी हूँ, मुझे तो फिर वो सलीम शेख साहब हमारे कैप्टन है और उन दोनों ने टीम में हैं, अरबाज खान साहब हैं, मैं हूं और सलीम शेख साहब हैं, इसके अलावा कौन हैं, रैम्बो साहब भी हैं और तवील फहरिस्त है, इसमें समी खान भी हैं, तैफूर खान हैं, जमान हैं, शहबाज साहब हैं। ये जमान शहबाज ये कौन है? ये भी हैं, लोग हैं यार, वो मैं नहीं जानता। समी खान के बड़े भाई का नाम तैफूर खान है, एक्टर हैं वो। समी खान को मैं जानता हूँ, नहीं नहीं तैफूर, अच्छा वो वाले तैफूर, वो जो अभी भी नहीं आपको याद है, मुझे पता है। नहीं मुझे आ गया याद कौन है। हाँ हाँ, एक दफ़ा मेरी उससे मुलाकात हुई है। हाँ अच्छा, मुझे बता आपकी टीम हार गई के जीत गई? कौन सा मैच? कोई भी मैच। यानी ज्यादा मैच हारे हुए हैं आप लोग? यार अभी तक 3 मैच हुए हैं आई गेस, और तीनों हारे हैं हम।
ओए होए मुझे पता था है ही नहीं इसका बिल। नहीं हम अच्छी फाइट करते हैं लेकिन फिर दूसरी टीम में हुमायूं सईद तो नहीं थे, थे ना इसीलिए जीते, जो कराची के साथ भी मैच हुआ इसीलिए। वो अब हुमायूं सईद बड़े स्टार है ना, हाँ। उनके सामने बंदा खुद कहता है मैं हारना चाहता हूं, हार गया, ये 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 यही किया आप लोगों ने भी कुछ ऐसे ही, हाँ है ना, वो हुमायूं सईद के सामने हारना भी अच्छा नहीं लगता, ये ना होगा हुमायूं सईद राज होकर दोबारा आई ना, है ना, हाँ कि हम उनको हरा दें, और वो सही कह रहे हैं आप, तो हमने खुद ही हार मान ली। वैसे आगे काल में फवाद खान ज्यादा बड़ा स्टार है या हुमायूं सईद? मैन ऑफ द मोमेंट तो हुमायूं सईद है। अच्छा तो वैसे इसी पे ना रुक जाए। चले चले आपको अगर फवाद नहीं पसंद तो कैसे? नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसे ही जबरदस्ती। आपको पता है फवाद पैसे कितने चार्ज करते हैं? नहीं मुझे नहीं पता। वैसे पता मुझे भी नहीं, मगर मैंने सुने इतने चार्ज करता है कि मैं गिन भी नहीं सकता इतने। अच्छा जी छोड़ें फिर हमें क्या लेना। हाँ मैं क्या हमें कर... अब हाँ क्या हाँ तो वैसे ही फ्री खाते हैं। अच्छा मुझे बताएं आप वैसे जो फेसबुक ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया, तो वो ज़्यादा वेले होते हैं या उन्होंने कोई एडमिन रखा होता है? एडमिन भी रखा होता है और वेले भी होते हैं। आपने क्या रखा हुआ? मैं दोनों। अच्छा दोनों है। हाँ। वेले भी एडमिन भी रखा, एडमिन भी रखा हुआ। और वो आगे की चीज मैं तुझे पता है हर बार एक स्टेप आगे है ना, कमाल है कमाल है। इतने ये इतना आगे जाके क्या कर रहे हैं? बस ठीक है बहुत जल्दी में बस ठीक है, बस ठीक है। ऐसे मुझे उम्मीद इतनी थी आपकी बाजी इतनी बड़ी हिट हो जाएंगी, आप फिल्म 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 लगा ले इसके साथ, फिल्म फिल्म बाजी इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, आपको थी उम्मीद? हाँ बिल्कुल थी। मुझे इतनी नहीं थी क्योंकि उसके अंदर मीरा थी, मीरा बड़े अरसे बाद आ रही थी, वो मेन लीड थी, तो मुझे नहीं थी उम्मीद, फिर भी लोगों ने देखी। क्या वजह थी? आप थे उसमें, ये वजह थी? ये भी एक वजह थी, ये भी एक वजह थी, ये भी एक वजह थी। उसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, जिन लोगों ने एक दफ़ा देखी उन लोगों ने एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट जरूर किया, और साकिब मलिक साहब की पहली फिल्म थी और उसमें कास्ट अच्छी थी, हर तरह की कास्ट के लोग थे और उनकी एक फैन बेस थी जिसने उस फिल्म को फिर फॉलो किया। हाँ, तो मुझे बताइए ये बाजी आ कब रही है? बाजी रिलीज हो गई है। ऑनलाइन कब आ रही है? यूट्यूब पे मैंने देखी नहीं है ना अभी तक, तो नहीं है बाजी अभी 6 दिसंबर को री रिलीज भी हो गई है, वापस सिनेमाज में लग गई है, तो आप अब जाके देख लें। वो ना पैसे लगते हैं, बस वो सिनेमा मुझे जाना नहीं पसंद, उधर काफी ज्यादा रश हो जाता है आपके इर्द गिर्द। नहीं जब से वो ना मुझे पता लग गया ना ऊपर कैमरे लगे हैं नहीं जाते तब से ना जाना छोड़ दिया, मुझे नहीं पहले पता था। मैंने उन्हें कॉल की यार वो ना उस डेट की वीडियो डिलीट कर दे मेरी। नहीं तो वो अब री रिलीज हुई है, अभी तो सिनेमाज में ही है, अभी तो बिजनेस कर रही है, अभी ऑनलाइन आने के कोई चांस नहीं फिलहाल उसके। अच्छा मैंने सुना वो जो वीडियो लीक हुई थी सिनेमा वाली, उस टाइम पे वो बाजी फिल्म सामने चल रही थी, चल रही थी बात ठीक है? नहीं मैंने सुना उस फिल्म में आपने कुछ एक्सप्लिसिट सीन्स किए हैं, कोई शर्ट उतार के कपड़े उतार के सीन। वो तो आपको पता है अल्लाह मौका दे मुझे मुझे कहो सही। नहीं नहीं आपने किए हैं ना? हाँ हाँ किए हैं। किए हैं वो साकिब भाई की ख्वाहिश पे। अच्छा ओ साकिब वैसे ऐसे ही लगते हैं मुझे भी, हाँ ऐसे हैं उनका ना स्टाइल, थोड़ा सा प्यारा सा स्टाइल, मुझे बड़ा पसंद है उनका स्टाइल, बहुत अच्छे आदमी, बड़े अच्छा हाँ बड़े ना, और कमाल की बात है मुझे पहचानते हैं, उन्होंने मेरा शो देखा हुआ, मुझे शुक्र है कोई पहचानता है, मुझे इतनी खुशी हुई थी, मैंने कहा साकिब वाकई आपने मेरा शो देखा हुआ, हाँ फिर मैंने कहा फिर आपने मुझे उन्हें लिया फिल्म में, फिल्म में इसका क्या जवाब था? उनके जो जवाब नहीं दिया उन्होंने, इग्नोर कर दिया। नहीं वो चुप हो गए लाजवाब हो गए एक्चुअली वो, नहीं वो चुप ही हो गए, क्या कहना चाह रहे थे कि काश तुम पहले मुझे मिले होते तो मैं मोहसिन की जगह पे तुम्हें ले लेता। एग्जैक्टली मुझे वैसे अमन अलियास बड़ी पसंद है। ये बात पता है अमना को? नहीं 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 पता ना, शुक्र नहीं। आपके दोबारा उनसे कॉन्टेक्ट हुआ है? उनको बताऊंगी कैसी है वैसे। अच्छी है वो, बहुत अच्छी है, वैसे तो अच्छी हैं। फॉलो तो करते होंगे आप उनको? हाँ क्यों नहीं, स्टॉक करते होंगे बल्कि आप? मैंने उन्हें इंस्टा पे लाइक किया हुआ, फॉलो किया हुआ, फॉलो किया हुआ, ये ये हाँ। तो अच्छा आप लास्ट पिक्चर कौन सी थी आमना की? आमना की मैं वो ना इंस्टा खोला नहीं, अरसा हो गया मैंने वो ना कौन है यार आप? नहीं वो इंटरनेट लगता है ना मेरा ना 4G का पैकेज खत्म हुआ
चले छोड़ा, मुझे बताया आपके साथ वो भी थे आपके को स्टार, उनका क्या हाल है? वो जो लंबे मुंह वाले लंबे से, वो उन्हें डांस करने का बड़ा शौक है, जिनको गाना गाने का भी शौक है, उस्मान खालिद भट्ट, हाँ वो कैसे? वो अच्छे हैं, बेहतरीन अच्छे हैं। आपसे साथ उनका कॉन्टेक्ट है कि नहीं? हाँ है। उनको भी फॉलो किया आपने? वे, ऐसे मैंने एक चीज नोट की है, पिछले दिनों जब बाजी रिलीज हुई तो उन्होंने कोयटा में जाकर स्पेशल शो भी किया, आपको नहीं बुलाया उन्होंने? हाँ, वहाँ पे सिर्फ मीरा जी और साकिब भाई गए थे। आपको क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि हम लोगों में से कोई भी नहीं गया वहाँ पे। अच्छा, वो जहाज के टिकट नहीं थे साकिब भाई के पास, पैसे उन्होंने सारे पैसे फिल्म पे लग गए ना उनके। उन्होंने पब्लिक शाह बंदा अपने जैसा बंदा अपने साथ लेके, जो कि फिल्म में था भी नहीं। अरे पब्लिक शाह साहब वहाँ पहले से मौजूद होंगे ना यार, जिया अली भी थी वहाँ पे, जिया अली जो कि फिल्म में भी नहीं थी। हाँ तो वो वैसे ही वहाँ गए होंगे ना, वो भी उधर थी। हाँ वो होंगे वहाँ पे। साकिब भाई तो थे ही साथ। हाँ वो थे, वो तो थे ही। हाँ हाँ, और मीरा के बगैर तो बाजी बन अधूरी है। हाँ अधूरी है, मानो जैसे है ही नहीं। हाँ 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 हाँ। अच्छा मुझे बताएं, आपकी जो पहली फिल्म थी नामालूम अफरा सुपर हिट गई, फिर आपकी आई तेरी मेरी लव स्टोरी, वो सुपर फ्लॉप गई, फिर आपकी आई नामालूम अफरा टू, वो भी हिट हो गई, ठीक है, फिर आपकी आई लॉर्ड वेडिंग, वो फ्लॉप हो गई, फिर आपकी आई बाजी, वो हिट होगी, तो जो नेक्स्ट फिल्म आपकी आएगी वो फ्लॉप होगी, तो कौन सी फिल्म आ रही है आपकी? मनहूस इस मुताबिक पे ना, नहीं लॉर्ड वेडिंग फ्लॉप नहीं हुई थी यार, फ्लॉप नहीं, वो उतनी नहीं चली थी। हाँ, वो कमर्शियल सिनेमा नहीं था उस तरह का, क्योंकि वो जिस फिल्म के मुकाबले में आई थी ना, फिल्म वो नहीं चली थी। तो मुझे बताएं आपकी अगली फिल्म कौन सी आ रही है? लेकिन ये नहीं कहेंगे आपके फ्लॉप होगी, मिड मिड गई। अरे हिट क्या थे यार, कोई कबूलियत का वक्त होता है? नहीं नहीं, अच्छा क्या थे अगली फिल्म कौन सी है बताएं? हाँ, मिड जैन से उसकी इंशाल्लाह शूट शुरू हो रही है, तो मैं जल्दी बताएंगे उसकी आपको डिटेल्स पे। अच्छा कोई नाम नहीं, वर्किंग टाइटल है लेकिन उसको रिवील करने का फायदा नहीं है। अच्छा आप उसके अंदर भी साइड रोल कर रहे हैं? नहीं, हीरो हीरो है ना। यस, नहीं खुश हो जा मेरी खुशी में मनहूस। उसके अंदर हीरोइन है या हीरो है आपके साथ? मेरी तारीख को देखते हुए हीरो होना चाहिए ना। कौन है वैसे सर? नहीं हीरोइन है, हीरोइन है। कौन है? कौन बता दूंगा, बता नहीं बताया, अगला इंटरव्यू कर लेंगे ना। नहीं बताया, बताया 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 बताया, प्लीज प्लीज नहीं 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 प्लीज बताया नहीं। वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे शो के थ्रू अभी वो डिसाइड नहीं कर पाए ना, अभी वो उसको नहीं बताया आपने? हाँ, यानी आपने अभी डायरेक्टर की तरफ से उस तरह से चीजों को रिवील नहीं कर रहे हैं। प्रपोज नहीं किया, यानी डायरेक्टर ने प्रपोजल नहीं भेजा, डायरेक्टर ने प्रपोजल नहीं भेजा। हां नहीं भेजा, नहीं भेजा, यानी उसको जब पता लगेगा अचानक से आप है, तो हो सकता है वो ना कर दे, इसलिए उन्होंने तस्वीर आपकी दिखानी है पहले। हाँ, ये एंड पे धोखा होगा कि मैं हूँ उस फिल्म। यस यस यस। अच्छा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, यानी आप हैं? मेरे साथ हो गया। अच्छा अच्छा, आपकी एक वेब सीरीज भी आ रही, तो उसका शूट क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई। बादशाह बेगम, राफे राशिदी साहब से पूछना पड़ेगा इसका ये सवाल कि वो काफी पेंडिंग हो गई है, बड़ी लंबी कास्ट है उसकी। हाँ, क्यों वो इतनी मेरा ख्याल है पैसों का कोई इशू लग रहा, उन्होंने कोई और वेब सीरीज पहले शुरू कर दी थी, ये अड़ गई। हाँ मुझे याद आ गया क्या मसला है उसकी ना, स्टोरी पे थोड़ा ना वो चलने मसले, और राफे साहब कुछ और चाह रहे हैं मगर वो लोग कुछ और चाह रहे हैं। वो लोग कौन? जो प्रोड्यूसर्स हैं। राफे खुद ही हैं? खुद ही हैं। क्या यार, हो सकता है वो मल्टीपल पर्सनैलिटी का शिकार हो। हाँ, जब वो खुद प्रोड्यूसर बन के सोचते हो तो वो कहते हैं नहीं ये नहीं चाहिए। हर बात का जवाब है ना आपके पास। राफे साहब, नहीं नहीं मैंने तो अच्छा लिखा है ना, मैंने तो दे बकवास लिखा। साजी गुल साहब ने लिखी है वो फिल्म। अच्छा साजी गुल साहब, ओ साजी गुल साहब, साजी गुल साहब का इशू है। साजी गुल साहब और राफे राजदी का इशू ऐसे कर लेते हैं। मैं वो राफे, आपको पता है मेरे पास तुम है जो बच्चा है, वो साजी गुल साहब का बेटा है, असली बेटा है, असली बेटा, ठीक है। हाँ मुझे पता है, पता है, बिल्कुल पता है। हाँ। मैंने सोचा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा लेकिन आपको नहीं, पता मुझे है। साजी गुल साहब हैं आपकी फ्रेंड लिस्ट में? हाँ वो है, है। अरे वाह यार, शुक्र है। मैंने उन्हें ऐड किया हुआ, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट, आपने भेजी होगी, उन्होंने तो नहीं भेजी होगी ना आपको? रिक्वेस्ट भेजी थी, उन्होंने उसी दिन एक्सेप्ट कर ली। क्या बात। हाँ वरना तो कुछ है ऐसी आमना लिहाज टाइप, अभी तक नहीं है किया एक्सेप्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताए मीरा जी अगर नाराज हो जाए तो आप कैसे मनाएंगे? मीरा जी अगर नाराज हो जाए, मैं उनको
अगली फिल्म की खुशखबरी दूंगा बहुत खुश होंगी, मान जाएंगी, चाहे वो झूठी खुशखबरी हो। हाँ, लेकिन वो बहुत खुश हो जाएंगे इस बात में। तो आप क्या कहेंगे कि अगली फिल्म में आप उनके साथ हीरो हैं? हाँ, फिर खुश हो। मैं हूँ नहीं हूँ, मैं उनको ये कह दूंगा ना कि आपकी अगली फिल्म लीड रोल में आ रही है, बहुत खुश होंगे। अच्छा, मैंने सुना था ये बाजी के पैसे मीरा ने लगाए हैं, बात ठीक है? नहीं नहीं, पक्की बात? कि मुझे शक हुआ था, वरना उनको कौन लेता फिल्म में? या मेरे खुदा। अच्छा एक चीज मुझे बताया, मुझे बता मीरा को इंग्लिश किसने सिखाई है? यार ये इस तजस्सुस में तो पूरी इंडस्ट्री है आज तक। आपको नहीं पता? उनके साथ काम किया है, मुझे पता लगा शायद उन्हें पता, आपको पता हो? ना ना, किसी को नहीं पता, इस राज से कोई नहीं आज तक वाकिफ हो सकता। मुझे पता मीरा को डांस किसने सिखाया इस फिल्म में? तो उस्मान ने भी सिखाया, निगाह जी ने भी सिखाया। अच्छा, इतने लोगों ने सिखाया फिर भी नहीं याद? चले कोई ऐसा मतलब, मुझे बताएं मीरा को एक्टिंग किससे सिखाई है? मुझे नहीं पता। नहीं बता आपको? नहीं, उसमें जब क्यों मीरा जो एक्टिंग करती है, ठीक है जी, किसी ने तो उन्हें गाइड किया होगा ऐसे एक्टिंग करते, तो किसने? इस फिल्म में तो साकिब भाई ने। साकिब भाई ने, वो तो मैंने उनका मीरा जी का इंटरव्यू सुना था, वो कहती हैं उस्मान खालिद भट्ट ने बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। हाँ जी, उनको बहुत हेल्प आउट किया स्क्रिप्ट में, रीडिंग में। तो ये कहाँ पे हेल्प आउट करते थे उनकी? सेट पे। अच्छा ठीक है। वो जो मीरा जी की फिल्म आई थी वो वाली, तो वो किसने बनाई थी? नहीं वो वाली मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सवाल 200 करोड़ का जो आई थी। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी। वो नहीं पता। अच्छा मुझे पता है मीरा को ड्रामा करना किसने सिखाया? अब हंस क्यों रहे हैं? मुझे वो दाल में ना काला काला लग रहा है, आपको भी काला काला लगा था हैं? अच्छा आपने उनसे नहीं पूछा? नहीं। अच्छा एक चीज मुझे बताए, ड्रामा करना किसने सिखाया मीरा को? नहीं पता? नहीं मुझे ये भी नहीं पता। चलो आपको मीरा के बारे में, मीरा जी के बारे में मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं की। आप उनके साथ रहे हैं तो मुझे लगा शायद आपको पता हो। हाँ नहीं, लेकिन नहीं। कितना अरसा रहते हैं उनके साथ? फिल्म की प्रमोशंस के दौरान कुछ महीने। कुछ महीने आप उनके साथ रहे? जी जी। ठीक है, वो कैसी हैं वैसे रहने में? अच्छी खातून हैं। अच्छी हैं? वो ज़्यादा शोर तो नहीं मचाती, यानी तंग करती हूँ यानी बोलती ज़्यादा? नहीं नहीं नहीं, चुप चुप रहती हैं। हाँ जी। अच्छा वो ऐसी, उनका दिमाग ऐसे ही है या फिर वो एक्टिंग करती हैं? नहीं वो देखिए, वो जो भी क्रिएटिव लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, थोड़े से लॉस्ट। अच्छा, आपका मतलब है वो लॉस्ट हैं? वो थोड़ी सी हाँ अपनी एक तख़य्युलाती दुनिया में भी रहती हैं। अच्छा मुझे पता है आप जैसे अंदर से हैं वैसे बाहर से क्यों नहीं है? क्या करूं, खाल उल्टी कैसे? नहीं, क्या नहीं, मैंने आपका देखा, आप शर्ट के बगैर जितनी आपकी बॉडी अंदर है ना बाहर नहीं है। हाँ, इसको चोर बॉडी कहते हैं, इसको रिप्ट कहते हैं। तो आप हर वक्त दिखाते कपड़ों के बगैर हम क्यों नहीं रखते? आपने फिर क्यों बनाई है? कोई वजह तो होगी ना बनाने की? बस ऐसे ही मुझे बनाइए तो फिर दिखाओ, दिखाया करें ना हर वक्त। तो आप फॉलो कर लेना मुझे इंस्टा पे आमना को छोड़ के, मुझे भी कर लें। मैंने आपको फेसबुक पे एक जगह किया हो तो हर जगह करने की नहीं है जरूरत मुझे। आमना को तो वहां भी किया हुआ है, वहां पे भी रिक्वेस्ट भेजी हुई है। आपको बताया था मैं इंस्टा, मैंने बेशक इंस्टॉल किया मगर मैं खोलता नहीं हूँ ना। हाँ, वो जो वो जीबी वीबी लगते हैं कुछ। मैं वो फेसबुक खोलता हूँ, ठीक है? तो मैंने फेसबुक पे आपके काफी ज्यादा ना बरना तस्वीरें नीम बरना देखी हुई। हाँ, नीम बरना, नीम नीम। हाँ, तो वो ना मुझे बताएं ये बॉडी जो ये पैक बनाए हुए हैं ये कितने बनाए हुए हैं? मुझे काफी ज्यादा दिखाई दे। आठ? आठ नहीं, मुझे लग रहा है ज्यादा। नहीं नहीं, आठ से ज्यादा नहीं है। ऊपर भी थे दो? हाँ हाँ, दस को थे। आठ है, आठ है, आठ आठ है। पक्की बात है, गिने आपने? हाँ। तो ये कैसे बने हैं? मेहनत से। अच्छा, आपने मेहनत नहीं की है? आपने अपने भांजे को भी साथ लगा दिए इस कामों पे, तो क्या बुराई है इसमें? है वो अच्छा भला एक शरीफ बच्चा होगा। आपने उन्हें अपने साथ? मैं शरीफ नहीं हूं, वो तो बाप पहले होते होंगे मेरे से। मैं तीसरी दफा आया हूँ, इसी हकारत से बात होती है इस शो में, इसी नफरत से। क्यों ये क्यों है ये मुझे भी नहीं पता। क्यों है ये मुझे भी नहीं पता। बस मैं हर दफा आता हूँ कि शायद इस दफा मुझे प्यार मिलेगा जिसकी मैं तलाश में हूँ आपकी नजरों में, पर नहीं नहीं नहीं, वो प्यार नहीं मिलता, वो प्यार आप नहीं दे पाएंगे। नहीं नहीं, वो प्यार बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वो ना बस ऐसे ही है, बंदा पूरी जिंदगी फिर प्यार ही देता है, चली जाती, वो वाला नहीं प्यार मिलता। अच्छा एक चीज मुझे बताएं, ठीक है, कि ना
इसका आंसर आपने लाजमी देना। आपके ख्याल में सबसे बुरा सिंगर कौन है पाकिस्तान का, मेल फीमेल कोई भी हो जाए, सबसे बुरा सिंगर? वो क्या नाम था उसका, आई टू आई वाला, क्या नाम है, ताहिर, ताहिर नाम था, ताहिर शाह, ताहिर शाह, वो उसको आप सिंगर कहेंगे? कोशिश तो उसने, अटेम्प्ट तो यही की थी ना उसने हमारे नाम पे धब्बा लगाने की। कोई ऐसा हो जो कि सिंगर भी हो मगर बहुत बुरा हो? हाँ, ही अटेम्प्टेड यार, मतलब वो हमारी फील्ड में आया था एज अ सिंगर। अच्छा, आपके ख्याल में उससे बुरा क्या हो सकता है हमारे साथ? रावी प्रसादा की आवाज कैसी है? सही है, सही है, ठीक है। और कैसे हैं, और कौन कैसे हैं? गाने उनके, रावी प्रसादा के गाने कैसे हैं? अच्छे गाने, अच्छे हैं। हाँ। कौन सा गाना आपको याद आ रहा है, कोई ज़हन में आ रहा गाना? उनके कवर्स हैं मोस्टली, कवर कवर्स, गानों के कवर्स होते हैं। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा, गानों के कवर्स होते हैं वो, उन्होंने किए थे वो। अच्छा, आप, आपके ख्याल में सबसे बुरा एक्टर कौन है? यार नाम ले दें, कोई ऐसा मसला नहीं, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, शकलें याद आ रही हैं, गूगल करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो अब वो बता दे जो उसमें था और उसमें नहीं था। यार मुझे ऐसा लगता है, मतलब आई एम नो वन टू कमेंट, लेकिन 14 साल इंडस्ट्री में लगाने के बाद इतना तो मुझे समझ आती है थोड़ी बहुत, कि मुझे लगता है कि कुछ हमारी नई लौट के कुछ बच्चे हैं जो शौकिया शौकिया आए हैं, तो वो मेहनत से काफ़ी कतराते हैं, तो वो अगर थोड़ी मेहनत भी कर लें लुक्स के साथ साथ, तो मेरे ख्याल में क्योंकि सस्टेन काम करेगा। आपका इशारा उस्मान खालिद बट की तरफ तो नहीं है? नहीं। अच्छा, इज अ गुड एक्टर मेरा था? नहीं 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 नहीं, वो लुक्स लुक्स है बस, वैसे डांस अच्छा कर लेते हैं, एक्टिंग मुझे इनकी नहीं पसंद थोड़ा। मैं नहीं कह रहा ये बात है, मैं नहीं कह रहा ये, मुझे जो अच्छा एक्टर लगता है ना वो है वो जो बाजी में भी थे, क्या नाम है उसका, नैयर जहाज साहब, वो तो लेजेंडरी एक्टर है, उनसे अच्छा एक्टर कोई नहीं है। हाँ, मेरा ख्याल उन्हें सारे रोल ना वही उन्हें करने चाहिए, वो हम क्या करें बाकी लोग, जवेद शेख वाले रोल, क्योंकि हर फिल्म में जवेद शेख होते हैं, अब हर फिल्म में नैयर जहाज को होना चाहिए। नहीं नहीं, नैयर भाई भी हर फिल्म में होते हैं ऑलमोस्ट पाकिस्तान की, आप गौर करें, टीफा वीफा सब में होते हैं नैयर भाई। हाँ, अच्छा आपके ख्याल में पॉलिटिशियन सबसे बुरा कौन है? कौन है? नहीं यार, ये कोई नाम, कोई आप, मैं बिल्कुल गैर सियासी हूँ। अब सियासत नहीं फॉलो करते? नहीं, मैं करता हूँ लेकिन ऐसा कोई नाम ना दिलवाए। आप ऐसे शक्ल से पीटीआई सपोर्टर लगते हैं। हाँ, है ना, वो उनको हम यूथी भी कहते हैं, एक एक तरफ पटवारी हैं, एक तरफ यूथी हैं, वैसे है। मैं भी आप लगते नहीं है यूथी है, आप शक्ल से यूथी नहीं, नहीं, मैं, लगते मैं, हैं। मैं शुरू से इमरान खान का ही सपोर्टर हूँ, ठीक है, मगर वो और बात है वो आपको सपोर्ट नहीं करते, बेड़ा गरक हो गया मुल्क का, मगर कोई ऐसा मसला नहीं, मगर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐड करें कोई 15-20 साल सब कुछ ठीक हो जाएगा, उससे पहले हो जाएगा, वही अच्छी बात करें यार, कोई हां वो अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, 10 साल के अंदर हो जाएगा। अच्छा मुझे बताएं, अली जफर और आप में क्या चीज कॉमन है? हम दोनों सिंगर्स हैं, बहुत अच्छे सिंगर्स, वो है, वो सिंगर्स नहीं है ना, वो सिंगर है। हाँ, वो एक्टर और सिंगर दोनों, हमें भी एक्टर और सिंगर, डबल यस, हम दोनों एक्टर और सिंगर, एक्टर और सिंगर, उन्होंने सिंगिंग पहले की और एक्टिंग बाद में, आपने भी सिंगिंग पहले की एक्टिंग बाद में, ये और बात है कि वो किधर हैं और मैं किधर हूँ, ये यानी बहुत अच्छे, वो भी डीएचए में, मैं भी डीएचए में, उन्होंने उनकी फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी, टीफा ना, आपसे ज्यादा हिट हुई, ज्यादा हिट हुई, बाजी फिल्म से ज्यादा हिट हो गई, यस यस यस, कोई बात नहीं, टीफा, उन्होंने बाहर भी जाके फिल्म की थी, हाँ भारत में भी की उन्होंने, हाँ 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 हाँ, ठीक है, आपको नहीं काम मिला कहीं भी? नहीं मिला आगे, वैसे ऑफर ही नहीं आई यार, वे वैसे आपके आगे भी कोई ना कोई काम आ ही रहा होगा आपका, कौन सा काम आ रहा है? बताया अभी फिल्म की शूट शुरू होगी, जिसका नाम भी नहीं आपको पता, जिसके हम रिवील नहीं कर रहे हम, हीरोइन भी नहीं अभी फाइनल हुई, जिसका स्क्रिप्ट भी नहीं अभी फाइनल हुआ, अबे वो हो गया, स्क्रिप्ट पढ़ के ही मैंने साइन की है, प्रोड्यूसर भी नहीं फाइनल हुआ अभी, सब फाइनल है, हम रिवील नहीं करना चाह रहे, मैं तुझे एक और शो दे रहा हूँ पूरा, पूरी कास्ट के साथ, अच्छा अच्छा, अलग ये, अलग इंटरव्यू, इसी में सारा ना कर लें यार, मुझे अच्छा लगता है आपके पास बार बार आना, हीरोइन अच्छी होनी चाहिए, सॉरी ये क्या है, सॉरी 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 सॉरी, हीरोइन अच्छी होनी चाहिए,
सही है ठीक है आमना से बात करें शयात और वो जो है ना आई थिंक दो हीरोइन मायरा खान को दोनों को ले दोनों बिजी हैं ठीक है और ऐसा कर थोड़े स्टोरी में चेंज कर ठीक है हीरो दो ले एक आप हो एक मैं हूं ठीक है और आप पहले ही मर जाते हैं पहले शॉट में मेरे साथ मायरा होगी आपके साथ हैविश होगी तो जोड़ी बड़ी शूट करेगी ठीक है हम दोनों की ना बेशक फिल्म शूट नहीं करेंगे कोई ऐसा मसला नहीं मगर ना कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे ठीक है चले डन चले शो करें खत्म या कुछ हाँ करें करें कैसे करना पूछ लूं आपसे पूछ लें अगर है नहीं तो? कुछ रह गए हाँ हाँ वो ना वो लोग पूछ रहे आपके दो चार जो फैन रह गए ना पूछ रहे मुज़ाकरात कब ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा यार देखते हैं उस पे ये एक लंबी डिस्कशन है इस पे अलग से मुज़ाकरात होने हैं यानी इस पे एक और शो होगा हाँ, इस पे एक अलग मुज़ाकरात होंगे इस पे एक अलग शो होगा ठीक है फिर हम कंटिन्यू करेंगे इस शो के एंड पे टू बी कंटिन्यू लिखते हैं ठीक है टू बी कंटिन्यू ये और बाकी सवाल बाद में करेंगे चले आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया ठीक है ये बाकी हम बाद में बातें करेंगे इसी के साथ ही इजाजत दीजिए मुझे और मोहसिन अब्बास हैदर को अल्लाह हाफिज़